बेहतरीन, ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन, अंदर से क्रीमी क्रीमी चीज़ी। ये देखिए आप बनाकर देखिएगा, सबका फेवरेट हो जाएगा ये स्नैक। पार्टी टाइम आ गया है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैफे रेस्टोरेंट और मार्केट स्टाइल गर्मा गर्म सुपर क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स, जिसे आप सिर्फ दो चीजों से कभी भी तैयार कर सकते हैं और एक बार बना करके महीनों खा सकते हैं। क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी टेक्सचर और खाने में ऐसे कि जो एक खाए बस खाता ही जाए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी स्क्वायर पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 कच्चे आलू, सिंपल मीडियम साइज के यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। तो यहाँ पर आलू को मैंने बढ़िया से धो करके छील लिया और छील करके इस तरह से पानी में डाल दिया, जैसे कि आलू काले ना पड़े। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, आप आलू लीजिए कच्चा और इसको रफली बस पीसेस में कट कर लीजिए इस तरह से। लीजिए तो सारे आलू मैंने काट लिए हैं। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक बड़ा पतीला इस तरह का बर्तन, इसमें हम डालेंगे हमारे तैयार कटे हुए आलू। पानी सहित ही डाल दीजिए, यही पानी ले लीजिए, ये साफ था पानी। यहाँ पर हमें आलू को सिर्फ 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर लेना है उबाल, मतलब ऐसा कि सिर्फ 30% आलू पके, अंदर से वो कच्चा ही हो, हल्का सा ऊपरी उसमें सॉफ्टनेस आ जाए। बहुत ही जरूरी पॉइंट है इस रेसिपी के लिए, क्योंकि ये जो स्टेप हम कर रहे हैं यही देगा हमारे जो पोटैटो स्क्वायर बाइट्स हम बना रहे हैं उसमें क्रंची टेक्सचर। लीजिए 3 से 4 मिनट हो गए, गैस को कर देंगे बंद। और ये देखिए मैं एक फोक से आपको ना चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए जब आप आलू में इस तरह फोक डाल रहे हैं तो देखिए हल्का सा अंदर जा रहा है, अंदर उसमें कच्चापन ही है, ऊपर से हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। बस इतना भर तक ही हमें आलू को उबालना है कि अंदर वो कच्चा ही रहे, हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाए। तो बस यहाँ पर एक छलनी लगाकर सारा पानी छान देंगे, आलू को हल्का सा ठंडा होने देंगे। लीजिए आलू हमारे हो गए ठंडे। अब आती है वो क्विक ट्रिक कि हमारे वो पोटैटो स्क्वायर बाइट्स में वो टेक्सचर कैसे आए, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है सिंपल चॉपर, मैनुअल चॉपर, जो आजकल हम सभी के घर में रहता ही है। और अगर नहीं भी हो ना तो भी मैं अभी आपको बता दूंगी कि आप इसे कैसे बनाएं। चॉपर में अब हम डालेंगे आलू जब वो ठंडे हो जाएंगे और इस तरह से हल्का सा आलू को दरदरा करेंगे, मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस रहने चाहिए, बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे दरदरे से पीसेस दिख रहे हैं, ऐसा बस हमें इसे चॉप करना है। सारे आलू बिल्कुल इसी तरह चॉपर में हम चॉप कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास चॉपर की सुविधा नहीं है, आप लीजिए इस तरीके का फोक और फोक से देखिए इस तरह ना प्रेस कीजिए पीसेस को, तो ये दरदरे से कट जाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर आ जाएगा। तो जैसे चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप टेक्सचर देख रहे हैं ना यही आलू स्क्वायर्स को जबरदस्त क्रिस्पी बनाएगा। लीजिए हमारे आलू हैं बिल्कुल तैयार और आप देख सकते हैं इसका जबरदस्त टेक्सचर है ना, परफेक्ट। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ ये स्क्वायर बाइट्स 2 फ्लेवर में, जिससे कि आपको बनाना एकदम आसान हो जाए। तो थोड़ा सा पोर्शन मैं क्रश्ड आलू का अलग निकाल रही हूँ, इसको बनाएंगे अलग फ्लेवर में। तो पहले लेंगे एक पोर्शन, तो इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स यानी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जैसे मार्केट से आप पोटैटो बाइट्स वगैरह खरीदते हैं ना उससे भी ज्यादा बढ़िया लगेंगे इस तरह। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर और 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ पिज्जा वाली सीजनिंग, या फिर आप ऑरिगेनो मिक्स्ड हर्ब वो भी यूज कर सकते हैं। और बाइंडिंग के लिए इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, जिसे हम कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। कॉर्नफ्लावर घर में हो तो वो यूज कर लीजिए, नहीं हो तो इसकी जगह आप मैदा भी यूज कर सकते हैं, या फिर चावल का आटा हो तो वो यूज कर सकते हैं, या अरारोट पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फ्लेवरफुल चीज जाएगी वो है चीज, तो यहाँ मैं प्रोसेस चीज ले रही हूँ, आप इसकी जगह जो मोजरेला चीज होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह की चीज स्लाइस हो आपके पास तो वो भी यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लीजिए। इससे क्या होगा, जबरदस्त टेस्ट आ जाएगा हमारे पोटैटो स्क्वायर्स में। डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये मार्केट में क्यूब्स आते हैं ना बस ये वही है। तो लगभग 2 से 3 बड़ा चम्मच के करीब हम ग्रेटेड चीज इसमें डाल देंगे, तो इस तरह मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। और फाइनली जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एकदम यमी वाले हमारे स्नैक्स बनने वाले हैं। बस सभी चीजों को हल्के हाथ से कर देंगे मिक्स। आज जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ ना वो ऐसा तरीका है कि आपको ज्यादा हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे, फटाफट काम होगा आपका और आप 3 महीने के लिए इन्हें स्टोर भी कर पाएंगे। तो ये लीजिए हमारा एक फ्लेवर का मिक्स हो गया है तैयार, अब देखते हैं दूसरा फ्लेवर। तो दूसरे वाले पोटैटो स्क्वायर्स के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर,
और जो सीक्रेट फ्लेवर मैं बनाने वाली हूँ वो है नूडल मसाला। तो एक छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सिंपल नूडल मसाला। आप कोई भी नूडल मसाला जैसे इस तरीके का अगर आपके पास ये पैकेट निकलते हैं ना इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट में, तो बस वो यूज कर लीजिए। जबरदस्त टेस्टी आपका पोटैटो स्क्वायर तैयार होगा। साथ में जाएगा 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए, और डाल देंगे चीज। नूडल मसाले के साथ ये जो कॉम्बिनेशन आएगा बहुत ही मस्त लगेगा। आप जैसे मैंने नूडल मसाला डाला, आप इसकी जगह पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, किसी भी फ्लेवर में पोटैटो स्क्वायर तैयार कर सकते हैं। ये सभी में बढ़िया लगते हैं। और गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी बिल्कुल बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। दोनों ही फ्लेवर के हम अपने पोटैटो स्क्वायर्स तैयार करेंगे बिल्कुल आसानी से। आपने देखा कुछ भी ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, जो चीजें घर में होती हैं उसी से आप इजीली इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा चटपटा नूडल मसाले वाला मिक्स भी है बिल्कुल तैयार। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप लीजिए इस तरह की कोई आपके पास बर्फी ट्रे हो या स्टील की थाली ले लीजिए, इसमें डालिए कुछ बूंद ऑयल की और इसे हम कर लेंगे बढ़िया से ग्रीस। अपने पिज्जा सीजनिंग वाले स्क्वायर पोटैटो बाइट्स का मिक्स को डालेंगे इस ट्रे पर, और एक स्पैटुला या एक कटोरी पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करके उसके बेस से इस तरह से इसको प्रेस कर लीजिए और पूरे में आप सेट कर लें। इससे परफेक्ट स्क्वायर शेप मिल जाएगी। वरना क्या कीजिए, आप हाथ से डायरेक्टली भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और इस तरह से गोल घुमाइए, और जैसे पोटैटो बाइट्स आते हैं ना उस तरह से गोल घुमा करके इस तरह के छोटे छोटे बाइट्स आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको एकदम आसान और सुंदर तरीका बता रही हूँ जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये लीजिए एकदम बढ़िया से मैंने इस तरह से इसको फ्लैट कर लिया है, परफेक्ट। अब जो बची हुई स्पेस है इसमें मैं डाल देती हूँ हमारा नूडल स्क्वायर बाइट्स का मिक्स। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और ये लीजिए मैंने दोनों ही फ्लेवर के पोटैटो स्क्वायर बाइट्स को सेट कर लिया है। देखिए क्या मस्त दिख रहे हैं। तो अब मैं यहाँ इनको रख रही हूँ लगभग आधे घंटे के लिए फ्रीजर में। फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में। अगर फ्रिज में रख रहे हो तो आप लगभग 45 मिनट्स के लिए रखें जिससे कि ये बिल्कुल बढ़िया से सेट हो जाए। 25 मिनट से आधा घंटा बहुत है, बिल्कुल बढ़िया से सेट हो जाएंगे तो मैं इजीली स्क्वायर शेप में कट कर पाएंगे। और ये देखिए 25 से 30 मिनट हो गए हैं, एकदम बढ़िया हमारे स्क्वायर बाइट सेट हुए हैं। ये देखिए है ना मस्त तरीका। अब बस आप लीजिए एक नाइफ और इस तरह से अपने मनचाहे शेप में कट कर लीजिए। मैं इनको स्क्वायर शेप दे रही हूँ, बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया। जितने बड़े जितने छोटे आपको रखने हैं उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। तो सारे पीस इसी तरह से कट कर लेंगे। और ये लीजिए मस्त हमारे दो फ्लेवर के पोटैटो स्क्वायर बाइट्स हैं बिल्कुल तैयार। यहां पोटैटो स्क्वायर बाइट्स को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसी तरह बना करके जब ये इस तरह ठंडे हो जाएं इन्हें एक एयर टाइट बॉक्स में डाल दीजिए फ्रीजर में। फ्रीजर में ये 3 महीने भी खराब नहीं होंगे, लेकिन बस आप बंद करके रखें। और ये देखिए मैंने कुछ पहले ही बना करके स्टोर कर लिए थे। ये देखिए इनकी आवाज बने हैं ना एकदम बेहतरीन। बाजार के पैकेट्स के जो फ्रोजन स्नैक्स आते हैं ना कुछ भी नहीं है इनके सामने। और जैसे आप बाजार के फ्रोजन स्नैक्स लाते हैं ना फिर उन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं, बस उसी तरह से हॉट ऑयल में फ्राई कर लीजिए, या फिर आप इन्हें एयर फ्रायर या ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो मैंने तैयार किए मैं फटाफट से उनको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही कढ़ाई में गर्म होने रख दिया था और यहाँ तेल हल्का गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पर ही हम अपने पोटैटो बाइट्स को फ्राई करेंगे। पहले तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके इस तरह से पोटैटो बाइट्स डालते जाएंगे। जितनी कढ़ाई में स्पेस है एक बार में उतने आप पीसेस डालें। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जब ये हल्के हल्के इनके ऊपर क्रिस्प लेयर आ जाएगी हम एक स्पून से इन्हें उलट पलट कर देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया हमारे स्क्वायर पोटैटो बाइट्स हल्के हल्के से गोल्डन दिख रहे हैं। तो बस एक स्पून लेंगे और इस तरह से ऑयल को रोटेट कर देंगे, ये अपने आप ही घूम जाएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया रेसिपी है। जो फ्लेवर आएगा ना पिज्जा स्क्वायर बाइट्स का और नूडल स्क्वायर बाइट्स का, दोनों ही बेहद पसंद आएंगे आपके घर के बड़े और बच्चे सभी को। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म कुरकुरे क्रंची गोल्डन क्रिस्पी स्क्वायर पोटैटो बाइट्स हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, तो बस इस स्टेज पर हम अपने सारे स्क्वायर बाइट्स निकाल लेंगे। ये देखिए इनका टेक्सचर लग रहा है ना, बस गर्मा गर्म आ जाए, फटाफट खाते जाओ। तो सारे ही हम अपने पोटैटो स्क्वायर बाइट्स इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले बहुत बहुत टेस्टी और यूनिक स्टाइल के क्रंची स्क्वायर पोटैटो बाइट्स। लग रहे हैं ना जबरदस्त, खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। और ये देखिए पोटैटो स्क्वायर बाइट्स का टेक्सचर बने हैं ना सब तरफ से कुरकुरे क्रंची।
कितना बेहतरीन टेक्सचर आया है। बाजार के स्टार्टर और स्नैक्स भी फेल हैं इस पोटैटो बाइट के आगे। मैंने यहाँ पोटैटो बाइट को सर्व किया है टोमेटो केचप और डिप के साथ। आप इन्हें ऐसे ही चाट मसाला डालकर ये सिंपल इसी तरह गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए आपका कौन सा फेवरेट फ्लेवर है, नूडल मसाला फ्लेवर या फिर पिज्जा फ्लेवर। दोनों ही बहुत ही बढ़िया लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के ये यूनिक स्टाइल के क्रिस्पी क्रंची स्क्वायर पोटैटो बाइट्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।